हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की अत्यधिक प्रभावशाली पद्धति है विवाह, संविधान, परिवार, सामाजिक संहिता। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण की अत्यधिक प्रभावशाली पद्धति परिवार है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी देश या क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है? प्रवास, उर्वरता, मरणशीलता, ये सभी। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कारक किसी देश या क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो जनसंख्या के आकार, गठन, भौगोलिक वितरण तथा उनमें जन्म, मृत्यु, विवाह एवं देशांतर गमन के कारण होने वाले परिवर्तनों को सांख्यिकीय एवं गणितीय अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सा विज्ञान कहते हैं? जनांकिकी, सामाजिक जनसंख्या, आर्थिक जनसंख्या, जनसंख्या अर्थशास्त्र। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? वह विज्ञान जो जनसंख्या के आकार, गठन, भौगोलिक वितरण तथा उनमें जन्म, मृत्यु, विवाह एवं देशांतर गमन के कारण होने वाले परिवर्तनों को सांख्यिकी एवं गणितीय अध्ययन करता है, जनांकिकी विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने यह धारणा प्रतिपादित की है कि जनसंख्या घनत्व सामाजिक विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है? पार्सन्स, दुर्खिम, सीमेल, प्लेटो। राइट आंसर बताइए। किस विचारक ने यह धारणा प्रतिपादित की है कि जनसंख्या घनत्व सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, इमाइल दुर्खिम। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा कारण अत्यधिक मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी है? प्राकृतिक प्रकोप, गरीबी, उचित आवास का अभाव, संक्रामक रोग, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। अत्यधिक मृत्यु दर के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उपरोक्त सभी। प्राकृतिक प्रकोप, गरीबी, उचित आवास का अभाव, संक्रामक रोग, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अपीड़ित अपराध से क्या तात्पर्य है? मादक द्रव्य व्यसन, वेश्यावृत्ति, जुआ, ये सभी। राइट आंसर बताइए। अपीड़ित अपराध से क्या तात्पर्य है? कौन सा है अपीड़ित अपराध? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, ये सभी हो जाएंगे, मादक द्रव्य व्यसन, वेश्यावृत्ति, जुआ, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन यह मानता है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक घटनाक्रम है? योगेश अटल, एम मोफट, लुइस ड्यूमा, एस सी दुबे। जाति को एक मनोवैज्ञानिक घटनाक्रम किसने माना है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लुई ड्यूमा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थित में क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? समुदाय, विवाह, समाज, समिति। राइट आंसर बताइए। सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थित में क्या नहीं होगा?
राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समाज। अगला क्वेश्चन है, किसने संस्था के प्रकारों को गोचर एवं अगोचर के रूप में विभाजित किया? किंग्सले डेविस, पार्सन्स, जॉनसन, मर्टन। राइट आंसर बताइए। किसने संस्था को दो भागों में बांटा है, गोचर और अगोचर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद एवं जनसंख्या एक दूसरे के साथ कुछ नहीं करते, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं होते, उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रवाद एवं जनसंख्या। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, एक दूसरे के साथ कुछ नहीं करते। विचलनकारी व्यवहार अत्यधिक पाया जाता है मंद गति से परिवर्तित समाज में, तीव्र गति से परिवर्तित समाज में, स्थिर समाज में, ऐसे समाज में जो दूसरे समाज के संपर्क में नहीं है। राइट आंसर बताइए। विचलनकारी व्यवहार अत्यधिक पाया जाता है किस समाज में? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, तीव्र गति से परिवर्तित समाज में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिक जन्म दर के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? गर्म जलवायु, बाल विवाह का प्रचलन, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, मनोरंजन के साधनों का अभाव, भाग्यवादिता, संयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह की अनिवार्यता, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। भारत में अत्यधिक जन्म दर के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उपरोक्त सभी। ये सभी कारण उत्तरदायी हैं अधिक जन्म दर के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश में प्रजननता की दर प्रभावित होती है जैविक कारकों से, मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, उपरोक्त सभी कारकों से। राइट आंसर बताइए। किसी भी देश में प्रजननता की दर प्रभावित होती है, राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फोर, उपरोक्त सभी कारकों से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आदर्श शून्यता के अर्थ को ध्यान में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ग संघर्ष, जनांगिकी परिवर्तन, सामाजिक विकास, प्रतिमान रहित दशा। आदर्श शून्यता के अर्थ को ध्यान में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, प्रतिमान रहित दशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में निवास नहीं करती? कोरकू, बैगा, टोडा, अगरिया। राइट आंसर बताइए। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में निवास नहीं करती है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, टोडा। टोडा जनजाति ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्रम नियोजन जिस समाज में लिंग और आयु पर आधारित होता है उसे कहते हैं? जैविक दृष्टि से सुदृढ़ समाज, यांत्रिक दृष्टि से दृढ़ता वाला समाज, लिंगात्मक दृष्टि से दृढ़ समाज, सामाजिक दृष्टि से दृढ़ समाज। राइट आंसर बताइए। श्रम नियोजन किस समाज में लिंग और आयु पर आधारित होता है?
राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यांत्रिक दृष्टि से दृढ़ता वाला समाज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ प्रचलित रहे हैं? 1, 2, 4, 7। भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ प्रचलित रहे हैं? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण कालीन वृद्धि का क्या तात्पर्य है? उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। राइट आंसर बताइए। संक्रमण कालीन वृद्धि का क्या तात्पर्य है? राइट आंसर है उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? विभिन्नता, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं, भाग्यवादी, अंतर्निर्भरता की उच्च मात्रा। राइट आंसर क्या होगा? कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, भाग्यवादी ये नहीं है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी, ठक्कर बप्पा, ज्योतिबा फूले, B.R. अम्बेडकर। राइट आंसर क्या होगा? जनजातीय लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ठक्कर बप्पा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य का विकास 3 युगों, प्रथाओं का युग, संघर्ष का युग, विचार विमर्श का युग से माना है? फिलीमोर, ब्लंटली, वेजहार्ट, गार्नर। राइट आंसर बताइए। राज्य के विकास को 3 युगों से माना है, प्रथाओं का युग, संघर्ष का युग, विचार विमर्श का युग। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बेजहाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य का विकास 3 स्थितियों, जनजाति, सैनिक एवं औद्योगिक स्थिति से माना है? फिलीमोर, हर्बर्ट स्पेंसर, मैकाइवर एवं पेज मॉर्गन। राज्य का विकास 3 स्थितियों, जनजात, सैनिक एवं औद्योगिक स्थिति से माना है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है, गेमिन शाफ्ट एवं गेसेल शाफ्ट की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम, टॉनिज। गेमिन शाफ्ट और गेसेल शाफ्ट की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, फर्डिनेंड टॉनिज। अगला क्वेश्चन है, एक शूद्र लड़के का एक ब्राह्मण लड़की से विवाह किस प्रकार का विवाह माना जाता है? अनुलोम विवाह, कुलीन विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहिर्विवाह। शूद्र लड़के का विवाह ब्राह्मण लड़की के साथ, ये किस प्रकार का विवाह है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, प्रतिलोम विवाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में कौन सा समूह वानप्रस्थ आश्रम से
संबंधित है। 25 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक, 50 से 75 वर्ष तक, 75 से 100 वर्ष तक। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित समूह में से कौन से समूह वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 50 से 75 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था परिवार एवं विवाह एक पूरक अवधारणा है जिसमें विवाह एक संस्था है तथा परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है? लोवी, वेस्टरमार्क, रिवर्स, मेलनवर्स की। राइट आंसर बताइए। किसने कहा था परिवार एवं विवाह एक पूरक अवधारणा है जिसमें विवाह एक संस्था है तथा परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, वेस्टरमार्क। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक संदर्भ में अस्पृश्यता के उद्भव में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से उत्तरदायी है? परिवार, धर्म, संस्कृति, जाति। अस्पृश्यता के उद्भव के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो अस्पृश्यता का संबंध जाति से जोड़ा जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने यह कहा था हमारा समाज एक संगठनात्मक समाज है? एट जियोनी, मैक्स वेबर, रॉबर्ट प्रेस्थस, पार्सन। हमारा समाज एक संगठनात्मक समाज है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एट जियोनी। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता की संस्कृत की अवधारणा किस विचारक ने दी है? कार्ल मार्क्स, लेंटन, ऑस्कर लेविस, ऑकबर्न। निर्धनता की संस्कृत, पॉवर्टी ऑफ कल्चर। निर्धनता की संस्कृत की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। अगला समूह है, दबाव समूह हमेशा जनसंख्या के एक हिस्से के हितों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं माने वे सभी के हित में हो, यह कथन किसका है? जेटलिन, जॉनसन, लिपसेट, माइकल। राइट आंसर बताइए। दबाव समूह हमेशा जनसंख्या के एक हिस्से के हितों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं मानो वे सभी के हित में हो, यह कथन निम्न में से किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, विलासी वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? वेबलेन, मैक्स वेबर, फर्डिनेंड टॉनिस, कार्ल मार्क्स। विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी है? विलासी वर्ग की अवधारणा थर्स्टीन वेबलेन ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संगठन के अंतर्गत भूमिकाएं किस प्रकार की होती हैं? सहयोगात्मक, समरूप, अंतःनिर्भर, सात्मीकृत। संगठन के अंतर्गत भूमिकाएं किस प्रकार की होती हैं? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, अंतःनिर्भर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अमेरिका में कुलीन शासन की तीन मुख्य संस्थाओं की पहचान की है? सी राइट मिल, पेरेटो, मैक्स वेबर, पार्सन्स। अमेरिका में कुलीन शासन की तीन मुख्य संस्थाओं की पहचान किसने की है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सी राइट मिल्स ने।
अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए किस विचारक ने माना है कि प्राकृतिक अवस्था संघर्षमय थी? कार्ल मार्क्स, रूसो, जॉन लॉक, हॉब्स। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए किस विचारक ने माना है कि प्राकृतिक अवस्था संघर्षमय थी? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है, प्रतिगमन विश्लेषण व्यक्त करता है दो परिवर्तियों के बीच के संबंधों की प्रकृति, दो परिवर्तियों के बीच निरर्थक संबंध, त्रुटियों के मापन को नहीं प्राप्त करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। प्रतिगमन विश्लेषण व्यक्त करता है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, त्रुटियों के मापन को नहीं प्राप्त करना, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने कहा कि केंद्र सरकार की निर्धनता को दूर करने के लिए कार्यक्रम मात्र सौंदर्य बोधक है? जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम। किस राजनीतिक दल ने कहा कि केंद्र सरकार की निर्धनता को दूर करने के कार्यक्रम ये मात्र सौंदर्य बोधक है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक का मत है कि परिवार की मुख्य व्याधि एकाकी परिवार का अपने नातेदारों में वृहद समुदाय से पृथक हो जाना है? मर्डॉक, पार्सन्स, किंग्सले डेविस, एडमंड लीच। परिवार की मुख्य व्याधि एकाकी परिवार का अपने नातेदारों में वृहद समुदाय से पृथक हो जाना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, जीपी मर्डॉक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता धर्म की ही भांति वैयक्तिक मानसिक मस्तिष्क की एक स्थिति, एक अलौकिक भक्ति, विचार का एक तरीका, विचार और रहने का एक तरीका है। यह विचार निम्न में से किस विचारक का है? प्रूधो, हर्बर्ट स्पेंसर, गोडार्ड फिशर, रैमजी मेयर। राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीयता धर्म की ही भांति वैयक्तिक मानसिक मस्तिष्क की एक स्थिति, एक अलौकिक भक्ति, विचार का एक तरीका, विचार और रहने का एक तरीका है। यह विचार किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, रैमजी मोर। अगला क्वेश्चन है, राज्य न तो ईश्वर की कृति है और न ही श्रेष्ठ शक्ति का परिणाम, न क्रांति और न ही परिपाटी की देन, न ही केवल परिवार का विस्तार, यह कथन किसका है? प्रूधो, गार्नर, लॉस की, वाल्टेयर। राइट आंसर बताइए। राज्य न तो ईश्वर की कृति है और न ही श्रेष्ठ शक्ति का परिणाम है, न क्रांति है, न परिपाटी की देन है, न ही केवल परिवार का विस्तार है, ये किसका कथन है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, गार्नर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सी राइट मिल्स की पावर एलिट की अवधारणा की आलोचना की है? मार्क्स व एंजेल्स, मैकाइवर एवं पेज, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर क्या होगा? किसने सी राइट मिल्स के पावर एलिट की अवधारणा की आलोचना की है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मार्क्स व एंजेल्स। अगला क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत संकुल संस्तरीकरण व्यवस्था नहीं है वह किससे संबंधित है? आवासीय समुदाय, नगरीय समुदाय, भ्रमणशील समुदाय, कृषिक समुदाय।
राइट आंसर बताइए। जिसके अंतर्गत संकुल संस्तरीकरण व्यवस्था नहीं है, किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, भ्रमणशील समुदाय। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं वरन ये लोगों का समूह है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? मैक्स वेबर, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, दुर्खिम। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? हर्बर्ट स्पेंसर, कोजर, फ्रेजर, मैक्स वेबर। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, किसने संस्कृत से संबंधित उद्विकासी विचारधारा को तीन रूपों, समरेखी, सार्वभौमिक एवं बहुरेखी में विकसित किया? लेस्ली वाइट, स्टीवर्ट, मार्शल चेहलिस, इलमन सर्विस। राइट आंसर बताइए। किसने संस्कृत से संबंधित उद्विकासीय विचारधारा को तीन स्वरूपों में, समरेखीय, सार्वभौमिक एवं बहुरेखीय में विकसित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लेस्ली वाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांस्कृतिक परिवर्तन को इंगित करता है? आनुवंशिक विशेषताओं में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में बदलाव, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में परिवर्तन, जीवन शैली एवं व्यवहार के ढंग में परिवर्तन। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सांस्कृतिक परिवर्तन को इंगित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, जीवन शैली एवं व्यवहार के ढंग में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषक समाज में किस प्रकार का था? कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषक समाज जीवन किस प्रकार का था? साधारण, कम बोझिल, अत्यधिक नीरस, वैयक्तिक एवं औपचारिक। कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषक समाज वैयक्तिक एवं औपचारिक था। ऑप्शन फोर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को चेतन प्रतिस्पर्धा एवं वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को अचेतन प्रतिस्पर्धा कहा है? ब्रोम एवं सल्जनिक, डार्सन एवं गेटिस, मैकाबर एवं पेस, गिलिन एवं गिलिन। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को चेतन प्रतिस्पर्धा कहा है और अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को अचेतन प्रतिस्पर्धा कहा है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, गिलिन एवं गिलिन ने। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी सीमित वस्तु अधिनियम या सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रथा या नियम के अंतर्गत किए गए प्रयत्न को क्या कहते हैं? राइट आंसर बताइए। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी सीमित वस्तु अधिनियम या सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रथा या नियम के अंतर्गत किए गए प्रयत्न को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रतिस्पर्धा। अगला क्वेश्चन है, किसी एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति
जो उस क्षेत्र में अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आत्मनिर्भर संबंधों की व्यवस्था द्वारा करते हैं, क्या कहलाते हैं? समाज, समुदाय, संस्था, सामूहिकता। एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो उस क्षेत्र में अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आत्मनिर्भर संबंधों की व्यवस्था द्वारा करते हैं, क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, समुदाय। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह को आमतौर पर क्या कहा जाता है? निर्जात समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह, जाति समूह। राइट आंसर बताइए। दबाव समूह को आमतौर पर क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विशिष्ट हित समूह। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास समझ आई होगी। अच्छी लगे क्लास तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक कम से कम कर दिया करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।